एपिसोड की शुरुआत में हमें सीरीज का मेन कैरेक्टर डेविड बर्ड दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस सार्जेंट है और अपने बच्चों के साथ ट्रेन से कहीं जा रहा है। डेविड को ट्रेन पर एक ट्रेन सर्विस वाली लेडी दिखाई देती है जो कि काफी टेंशन में थी। तो डेविड उस लेडी से पूछता है कि क्या बात है। तो वो लेडी बताती है कि मुझे किसी ने रिपोर्ट किया है कि ट्रेन पर कोई सस्पिशियस आदमी चढ़ आया है जो शायद अभी वॉशरूम में मौजूद है। तो डेविड पूछता है कि मुझे पूरी जानकारी दो, मैं एक पुलिस वाला हूँ, घबराओ मत। तो वो लेडी बोलती है कि ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है कि एक सुसाइड बॉम्बर हमारी ट्रेन पर चढ़ चुका है और हमें ट्रेन को रास्ते में ही रोकने के ऑर्डर मिले हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जहां पर ट्रेन को रोका जाना था वहां पर काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और ट्रेन का यहां पर पहुंचने का इंतजार करते हैं। फिर डेविड उस वॉशरूम को खोलता है जिसमें टेररिस्ट के होने की पॉसिबिलिटी है, मगर वहां पर तो एक लेडी मौजूद थी और उसका नाम है नादिया। इसकी कमर पर एक बॉम्ब बंधा हुआ था और वो काफी डरी हुई थी, शायद वो किसी के प्रेशर में बॉम्ब को एक्सप्लोड करने वाली थी। तो डेविड उसे बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम इस बॉम्ब को डिटोनेट नहीं करना चाहती तो प्लीज ट्रिगर से अपना हाथ दूर कर दो, मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो लेडी डरते डरते मान जाती है, मगर जब ट्रेन रुकती है और आम पुलिस वाले ट्रेन पर चढ़ते हैं तो नादिया काफी डर जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तो डेविड उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह डरा हुआ हूँ और मेरे तो बच्चे इस ट्रेन पे मौजूद हैं और मैं मरना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भी कुछ हो, और शायद तुम भी मरना नहीं चाहती। डेविड नादिया से कहता है कि तुम्हारे लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है और इस बॉम्ब को डिटोनेट करने से हम में से किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तो बस पॉलिटिशियंस का और हम लोग तो बस उनके पपेट्स हैं। तो नादिया रोते रोते मान जाती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है, मगर इसी टाइम वहां पर मौजूद पुलिस इनका सपोर्ट करने के बजाय इन्हें शूट करना चाहती है। तो डेविड काफी रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि क्या तुम सबको मरवाना चाहती हो। और इसी सब में डेविड झटके से नादिया को वॉशरूम से बाहर निकाल लेता है, मगर डेविड ने नादिया को टाइटली हग कर रखा था। तो अगर पुलिस वाले नादिया को शूट करते तो गोली डेविड के आर पार होकर निकल जाती, तो पुलिस वाले शूट नहीं करते। और इसके बाद एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, तो वो एक्सपर्ट बड़ी सावधानी से बॉम्ब के बेल्ट को काट कर निकाल देती है और फिर डेविड और नादिया को ट्रेन से उतार लिया जाता है। फिर जाकर डेविड राहत की सांस लेता है और फिर वो अपने बच्चों को लेकर घर लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नादिया के साथ ट्रेन पर उसका हस्बैंड मौजूद था और फिलहाल की सिचुएशन से यही लग रहा है कि नादिया अपने हस्बैंड के दबाव में आकर एक सुसाइड बॉम्बर बनी। अब नादिया और उसके हस्बैंड दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट डे डेविड को उसके पुलिस डिपार्टमेंट बुलाया जाता है, जहां उसकी सुपीरियर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसने इतनी बहादुरी से ट्रेन पर बॉम्बर इंसिडेंट रुकवाया। फिर वो सीनियर कहती है कि तुम्हें कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर होम सेक्रेटरी का बॉडीगार्ड बनाया जाता है। फिर डेविड होम सेक्रेटरी की प्रोफाइल पढ़ता है, होम सेक्रेटरी का नाम है जूलिया मोंटेग। डेविड को पता चलता है कि जूलिया ने कई ऐसे डिसीजंस के लिए वोट किया है जिसमें यूके की मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था और ऐसे ही एक मिशन में डेविड भी शामिल था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड का कोई ट्रेजिक पास्ट रहा है जिसके लिए वो पॉलिटिशियन से बेहद नफरत करता है और अब तो उसे एक पॉलिटिशियन का बॉडीगार्ड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविड ने अपनी बॉडीगार्ड की ड्यूटी शुरू कर दी है। उसे सारा दिन जूलिया के ऑफिस के बाहर खड़े होकर गार्ड करना पड़ता है और फिर रात को डेविड और ड्राइवर जूलिया को उसके घर तक ड्रॉप करने जाते हैं। और जूलिया और डेविड को देखकर लगता है कि जैसे दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फिर जूलिया डेविड से कहती है कि मेरा एक कलीग आने वाला है, घर से बाहर निकलो, जिस पर डेविड साफ साफ मना कर देता है कि सॉरी मैम, मेरी ड्यूटी आपको प्रोटेक्ट करना है, ना कि आपके ऑर्डर सुनना। फिर जूलिया डेविड की प्रोफाइल पढ़ती है जिसमें ट्रेन बॉम्बर केस का जिक्र है, तो वो डेविड को सॉरी बोलती है प्रीवियस रूड बिहेवियर के लिए। फिर इसके बाद जूलिया से उसका फ्रेंड रॉब मैकडोनाल्ड मिलने आता है, जिसके बाद डेविड वहां से अपनी ड्यूटी आवर्स पूरा करके अपने घर लौट आता है। नेक्स्ट सीन में हमें जूलिया एक न्यूज स्टूडियो में दिखाई जाती है, जहां पर होस्ट जूलिया से कुछ सवाल पूछता है कि मिस सेक्रेटरी
आपने जो बिल पास करने की डिमांड की है उससे आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है। शायद अब आपका पीएम बनना तय है, जिस पर जूलिया काफी देर सोचने के बाद बोलती है कि मैं न्यू काउंटर टेररिज्म बिल को पार्लियामेंट के सामने पुश कर रही हूँ, जिससे मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है, मगर इस बिल की वजह से मेरा काफी खतरा बढ़ गया है और अब मैं काफी लोगों की हिट लिस्ट में हूँ, मगर फिर भी मैं हार नहीं मानने वाली। मैं तो बस अपने देश और अपने लोगों को और बेहतर प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और यही न्यूज डेविड भी देख रहा होता है और वो बहुत गुस्से में है और वो सोचता है कि बाकी राजनेताओं की तरह ये भी सिर्फ झूठे वादे कर रही है। नेक्स्ट डे जब डेविड अपनी ड्यूटी पर जाता है तो वो देखता है कि एक फीमेल एम्प्लॉय को उसकी जॉब से निकाला जा रहा है, वो भी बिना किसी रीजन दिए हुए। वो लेडी काफी गुस्सा कर बोलती है कि जूलिया बिल्कुल पागल है। और फिर पूरा दिन खत्म होने के बाद एज यूजुअल डेविड जूलिया को उसके घर तक ले जाता है और फिर पूरे घर की तलाशी लेता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर जूलिया बताती है कि लास्ट ट्रेन बॉम्बर केस में नादिया को पकड़ लिया गया है और उसके थ्रू उसके हस्बैंड को भी पकड़ लिया गया था, जो कि असल में रियल मास्टरमाइंड है और उसको 1 अक्टूबर को ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा। वो शायद हमारे लिए क्लू प्रोवाइड करा सके अपने टेररिस्ट ग्रुप का। फिर ये दोनों काफी देर कन्वर्सेशन करते हैं, जहां जूलिया को अंदाजा हो जाता है कि शायद डेविड पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट डे डेविड और उसकी वाइफ विक्की का तकड़ा झगड़ा होता है और अब विक्की डेविड से डाइवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि विक्की के हिसाब से डेविड मेंटली स्टेबल नहीं है अपने पास्ट ट्रॉमास की वजह से। और अब तो उसने वेरी हाई रिस्क जॉब भी ले ली है होम सेक्रेटरी का बॉडीगार्ड बनके, जो कि अब टेररिस्ट की प्राइम टारगेट है। तो इसे सुनकर डेविड बहुत दुखी होता है और कहता है, अगर हम डाइवोर्स नहीं लें तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मुझे ऑन ड्यूटी कुछ हो गया तो तुम्हें मेरी पेंशन आती रहेगी और घर का खर्चा चलता रहेगा। और ऐसा बोलकर डेविड वहां से खराब मूड में निकल जाता है। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसे होम सेक्रेटरी के ऑफिस से निकाल दिया गया था। वो एक जर्नलिस्ट से मिलती है और जूलिया के बारे में भड़काऊ बातें लिखने के लिए कहती है। दरअसल इस लेडी का नाम चैनल डेसन है। चैनल डेसन उस जर्नलिस्ट से कहती है कि जूलिया एक पागल औरत है और वो काफी खतरनाक है। जूलिया जो देशभक्ति और देश की सुरक्षा के ऊपर बात करती है सब बकवास है। असल में जूलिया अपना कोई पर्सनल एजेंडा पूरा करना चाहती है, मगर कोई एक्चुअल प्रूफ न होने की वजह से वो जर्नलिस्ट चैनल पर भरोसा नहीं करती। फिर डेविड अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। ये दोनों एक साथ एक जंग में लड़े थे और इसके चेहरे पर लगी चोटें वॉर की ही देन है। वो आदमी डेविड पर काफी भड़कता है और कहता है कि तुम अब उन्हीं पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिनकी वजह से हमारे इतने साथी वॉर में मारे गए। तो डेविड सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मुझे अपनी फैमिली भी चलानी है। और इसी सीन के साथ पहला एपिसोड एंड होता है।